नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बत। हम बात कर रहे थे राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है, नई आर्थिक समीक्षा जो घोषित हुई है या फिर जो जारी हुई है 2021-22 की। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र की, राजस्थान के संदर्भ में क्या नए आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले बात करें ऊर्जा। राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत जो हैं वो ताप्य संयंत्र, सबसे पहले ताप्य संयंत्र, फिर पन बिजली परियोजना, फिर पवन ऊर्जा, बायोमास, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएं और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये सोर्सेज हैं, ठीक है ना, ऊर्जा के। मार्च 2021 तक राज्य में विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 21,979 जो है मेगावाट थी। अब वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक जोड़ी गई उत्पादन क्षमता 1,342.50 मेगावाट है। इस प्रकार दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता जो है 23,321.40 मेगावाट हो गई। पूछी जा सकती है अधिष्ठापित क्षमता जो टोटल कितनी है अभी, 23,321.40 मेगावाट कितनी, 23,321.40 मेगावाट हो गई है। मार्च 2017 तक राज्य का कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज यानी EHV प्रसारण तंत्र 36,079 सर्किट किलोमीटर, 36,079 सर्किट किलोमीटर था, जो मार्च 2021 में बढ़कर 43,111 सर्किट किलोमीटर यानी ट्रिपल पी के साथ हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बात करें तो दिसंबर 2021 तक कुल 243.12 सर्किट किलोमीटर को प्रसारण तंत्र में जोड़ा गया। अब मार्च 2017 में राज्य में ऊर्जा उपलब्धता 6,922 करोड़ यूनिट थी, जो मार्च 2021 तक बढ़कर 8,561 करोड़ यूनिट हो गई। 2017-18 से 2020-21 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 23.68% की वृद्धि हुई। इसी तरह कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी 27.61% की क्या हुई, वृद्धि हुई। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक 43,201 गाँव का विद्युतीकरण किया है। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI के आकलन के अनुसार राजस्थान में सौर उत्पादन से 142 गीगावाट बिजली स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरुस्थल के लिए जाना जाने वाला ये राज्य अब तेजी से हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसंबर 2021 तक कुल 9,228.70 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल जो है एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जारी की है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति राज्य सरकार की है 2019 की, याद रखना। ये सरकार ने निवेशकों के अनुकूल के लिए, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के संदर्भ में बात करेंगे। नमस्कार।